देखो जैसा आप देख रहे किसान भाइयों, मिंटू और गौरव दो भाई हैं, बहुत ही मेहनती और बेहतरीन अच्छी खेती करने वाले, और सारा गन्ना ट्रंच का रखते हैं। अच्छा जी ये बताओ आप कितना गन्ना रख रहे सर? 100 बीघे के आसपास है जी अच्छा सारा ट्रंच रखो? टोटल नहीं, अभी ट्रंच का तो 50 बीघे है। अच्छा जी, हाँ जी, और सादा भी मुड्ढा है जो सादी भी दीघा 30 इंच का जी, वो 50 बीघे है। अच्छा ट्रंच का करने में मजा आ रहा जी खेती या नहीं? हाँ जी मजा आ रहा पूरा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ जी नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल यस फार्मिंग सोच किसान की में। और मेरे किसान भाइयों, मैं हूँ जिला शामली, गांव ताना भाई, भाई गांव ताना। और मेरे किसान भाइयों जैसा आप देख रहे, देखो ये बेहतरीन गन्ना खड़ा है, बहुत ही शानदार। और ये कौन सी वैरायटी है ये भी भाई से जानकारी लेंगे, और युवा किसान है भाई, उनका परिचय भी कराऊंगे आपका। बहुत ही मेहनती और अच्छे किसान है, बहुत प्रगतिशील, और काफी बड़ा खेत है इनका, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी इन्होंने, नई वैरायटी लगा रखी 13-235, 15-023 और 14-201, एक ही प्लाट में लगा रखी भाई। ये प्लाट करीब करीब 25 बीघे के का है, और उसकी पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं भाई जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब एक परिचय दो अपना थोड़ा सा किसान भाइयों को। मेरा नाम गौरव कुमार जी, जी गांव ताना, जिला शामली। जिला शामली। हाँ बहुत बढ़िया जी। तो भाई साहब ये बताओ आप ना कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी? ये तीन वैरायटी लगा रखी जी, नई 15-023 जी, 14-201 जी और 235। अच्छा 13-235। हाँ जी जी। अच्छा जी ये आपने जैसा लगाई तीनों वैरायटी एक ही प्लाट में लगा रखी? एक ही प्लाट में लगा रखी जी। अच्छा जी, तो भाई साहब आओ थोड़ा इधर को चल रहे, आओ देखते चलो। देखो मेरे किसान भाइयों कितना सुंदर गन्ना खड़ा, शानदार ठड़ा कहें जी सर। अच्छा जी ये जैसा आपने तीनों में आपने ये करा, और हाँ जी रोग की क्या कंडीशन रही भाई साहब? रोग तो कुछ नहीं आया जी इसमें। अच्छा जी, ना ना तीनों बीज रोग मुक्त? बिल्कुल जी रोग मुक्त है, रोग कुछ नहीं है जी। स्प्रे जरूर करी पर रोग नहीं है। अच्छा जी, तो स्प्रे कर दी मतलब बढ़वार की कर दी? हाँ, कर दी, ये नहीं हुआ कि रोग आएगा तो आज हम कर दे रोग? हाँ ना आया नहीं, उससे पहले ही इधर बराबर में 38 वो रखा, वो उसी के साथ में इसमें भी कर देते। अच्छा इसमें भी कर देते? हाँ जी हाँ, उसमें रोग आ जाता, इसमें कुछ नहीं आता था। अच्छा जी ये जो इधर है जी, ये इधर देख रहे जैसा, ये कौन सी है जी? 15-023 है जी? 15-023 है जी। अच्छा जी, हाँ जी देखो किसान भाइयों 15-023 का देखो कितना अच्छा गन्ना खड़ा, और ये देखो मोटाई, मोटाई देखो भाई, देखो भाई दोनों तरफ देखो, खेत में कहीं भी देख लो, बहुत ही सुंदर गन्ना खड़ा, बढ़िया वाला, बहुत अच्छी हाइट ले रहा देखो, और मोटाई भी अच्छी ले रहा। अच्छा जी आपने जैसा लगाया था ये, हाँ जी, तो ये किस विधि से बोया? सिंगल बड़ का बोया, कैसा बोया जी? ये डबल बड़ का बोया था जी। डबल दो आंख की कंची? दो आंख की कंची जी। अच्छा जी कितनी दूरी पर लगा रखा जी? ये 60-61 इंच पे है जी। 60-61 इंच? हाँ जी 5 फीट पे। अच्छा जी आपने जुताई कितनी करी थी जी इसकी? इसमें जुताई तो जी ये मानो पहले इसमें उड़द बोए थे जी हमने। अच्छा फसली ली थी आपने? हाँ जी हाँ फसली। कौन सी तारीख को लगाया था जी आपने? ये 10 मार्च की बुआई है जी। 10 मार्च की बुआई में सह फसली ली? हाँ जी हाँ। तो उसमें क्या लगाया आपने? उड़द? उड़द जी हाँ। अच्छा जी उड़द बोए थे जी, उड़द कटे करीबन 80-85 दिन में कट गए थे जी। अच्छा जी उसी के बाद में फिर बैठी करी थी। अच्छा जैसा उड़द करे थे आप ना, तो उनमें खरपतवार तो हुआ होगा? हाँ जी कुबाड़ तो देखो। हाँ भाई वो नुलाई करवाई थी। अच्छा नुलाई कर दी। हाँ तो खाली पटड़ी थी उस पर उड़द थे? हाँ जी हाँ जी इस पर खाली पटड़ी पर उड़द। हाँ और जो गन्ने में जो खरपतवार हुआ उसकी नुलाई कराई? हाँ जी हाँ। अच्छा कितनी नुलाई करवाई थी आपने इसमें? तो जी गन्ने की तो नुलाई करवाई नहीं जी। अच्छा जी उर्दू की करवाई थी? अच्छा जी गन्ने को तो खुदवाया था जी नौकरू पे। अच्छा उड़द खड़े खड़े छोटे फावड़ों से? छोटे फावड़ों से खुडो खुड खुदवा दिया था? हाँ जी हाँ नुड़ाई नहीं करवाई। अच्छा जी खुदवा दिया था और उर्दू को नुड़वा दिया था। अच्छा जी अच्छा जी जैसा आपने ये करवाया तो क्या खुदाई दुआई थी भाई साहब? इसमें दो खुदाई दुआई थी जी हमने। दो खुदाई? हाँ जी हाँ। बहुत बढ़िया जी। और अच्छा नीचे क्या क्या खाद गिरे आपने? पोटास वगैरह ये क्या क्या? पोटास तो गिरा नहीं जी अब की बार, 1700 रुपए का कट्टा होगा जी।
हाँ जहाँ महंगा होगा जी, ये रख रहे थे आईपीएल का जी, बस बजट का लो नहीं बना, चाहे महंगा था जी कुछ भी जी, 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 जी हमने महंगाई की वजह से डाला नहीं, ढेर महंगा, डेढ़ कट्टा हजार ढाई का इतने पैसे जी, बिल्कुल बिल्कुल है जी, हाँ जी हाँ, आधे से तो डाई डाई लगा दी थी बुआई में जी जी जी, और कीटनाशक थाइमेथोक्साम सल्फर ये चीज बुआई में डाल दी थी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा जैसा आप 38 भी लगा रहे और आपने तीन बीज ये नए लगाए, हाँ जी, तो जी भाई साहब ये जैसा तीन बीज नए लगाए तो इनमें आपको क्या अंतर महसूस दिया 38 में और इनमें जी, ये बताओ। फिलहाल तो ये अंतर है जी, देखो इसमें रोग नहीं है कुछ भी गन्ने में जी, उसमें रोग है, उसमें रोग है, रोग है जी। अच्छा जी जैसा आपने एक अकबर बंधवाया हो, हाँ जी, तो अभी बंधवाना पड़ेगा और ये चल जाएगा काम, बनवाना पड़ेगा जी, हाँ अच्छा जी जी, हाइट बदेगी जी, देखो जूना तो दुआना ही पड़ेगा, दुआना पड़ेगा जी, बिल्कुल सही, जूना और दुआना पड़ सका, ये जूना अभी दुआया था जी 10 दिन हुए, हाँ तो हाइट तो सही ले रहा जी, बढ़वार पर चल रहा है इसका मतलब, मान लो बढ़वार बढ़ेगी तो जूना तो नहीं है, जूना तरला तो टूट जाएगा जी, जी जी ये भी कर जाएगा, हाँ ये भी कर जाएगा फिर गिरने का, तो भी मेल तो अभी लगने गई, पर हाँ नवम्बर में जाएगा मेल लग जाएंगे, मेल लग जाएगा जी, हाँ सही कह रहे, कोशिश यही करेगी कि जूने पर थम जा, अच्छा जी मेल न लगानी पड़े जी, कोशिश करेंगे वो मेल भी लग, जो हम चाह लग जाएगी, हाँ जी पर कोशिश यही करेगी कि सीधा का सीधा ही रहा, सीधा का सीधा खड़ा रहे। अच्छा जी आप एक बात और बताओ, ट्रंच कितने दिनों से कर रहे हैं आप? ये तो फर्स्ट बार है जी, पहली बार 2 बीघे बोया था पिछले साल, तो उसमें आपने देखा कि उत्पादन कैसा रहा है? उसमें उत्पादन बढ़िया रहा जी, बहुत साध्य के मुकाबले 25-30 बीघे गन्ना बोया था जी, जी उसमें एक ही दिन मतलब असोज की बुआई करी थी वहाँ जी जी, और वो सबसे लास्ट में बोया था, सरसों भी बोई थी उसमें ही जी जी, और उसमें औसत तन में 10 क्विंटल का अंतर आया, ये 95 का निकला जी ट्रेंच विधि का जी, और वो 85 पर लास्ट हो गया था, बढ़िया गन्ना खड़ा था बहुत। अच्छा जी हाँ, अच्छा उसमें कुछ थोड़ा पहली साल रोग कम था जी, उसमें साध्य में तो रोग भी आया, उसमें ट्रेंच विधि में कोई रोग नहीं आया। अच्छा जी हाँ, सब तक तो अंतर देखा, अंतर इसी पर आए कि ट्रेंच विधि पे हवा आर पार हो, धूप आवे नीचे तक का जी, जब भी ट्रेंच का बोया अबकी बार सारा ही बो दिया टोटल 50 बीघे गन्ना, 55 बीघे ट्रेंच का बोर्ड बो रखा हमने। बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे ज्यादातर मुजफ्फरनगर एरिया में तो पहले भी लगाऊ थे ट्रंच, और शामली एरिया में ज्यादातर लोग साध्य ही बोए पहले से ही, हाँ जी हाँ, तो जैसा आपने लगाया तो आपको भाई एक गांव में रिकॉर्ड ही बना होगा फलाना ने ट्रंच लगा रखा, हाँ जी देखो अरे फलाने गांव ट्रंच बना दिया कि बोया की करेगा भाई, इतनी इतनी दूर कैंची गे रखी जी जी, मगर जी सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तेरी गैली रहेंगे। सही कह रहे जी हाँ, नहीं तो क्या बहुत से आदमी मनना पुराने खा ले कहना चोड़े में होने का नहीं, आज मेरे पापा खुद ही मना कर रख रहे थे। अच्छा जी, मान लो हम 3-4 साल पहले भी बोना चाह रहे थे, अच्छा उन्होंने बोना नहीं दिया, अच्छा क्या लगा भाई ये तो ढेर दूर हो जाएगा, अपना घरों ही रहा करो, अपना पंखे तलाई के करेंगे खेती पेती करके। बहुत बढ़िया जी, चलने का नहीं काम, बहुत बढ़िया। तो आओ तो भाई साहब दूसरी वेरायटी भी दिखाओ आज भाइयों, ये 15023 था और आपको 13235 भी दिखा दे भाई जी का, आज खेत कितने बीघे का जी आपका? ये 25 बीघे का है टोटल। अच्छा जी बहुत बढ़िया, देखो भाई 13235 देखो मेरे किसान भाइयों, देखो मेरे किसान भाइयों ये इधर लगा रखा, एक ही प्लाट में लगा रखा 25 बीघे में, 13235 है देखो, और गन्ने की मोटाई देखो, और ये जो बुराई चल रही 35 की है, स्पोर्टिंग है, फूट जा नीचे से देखो, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे से पोके फूट रहे, और मोटाई देखो, ये ना मानो कि बाहर ही हो रहा भाई, बाहर हवा लगती रहा फूल जा, अंदर चल रहे देखो, ये देखो, ये देखो गन्ने की मोटाई कितनी जबरदस्त है भाई, देखो ये देखो, और हाइट देखो मेरे किसान भाइयों, बहुत किसान है जो मेहनती है और अपने नए नए तरीके से करते रहे, जिनका किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं होता कि लाइट में नहीं आना चाहते मेरे किसान भाइयों, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इस बरसात के बाद में जुड़ा दुआ है 2 फूड में तो। अच्छा जी हाँ, 2 फूड में पहले आ गए थे, 4 फूड हैं, नहीं तो खुला ही खड़ा था जी, खुला ही खड़ा था जी। आपका खेत भी काफी लंबा लग रहा जी मुझे, ये करीबन 425 फुट के आसपास की लंबाई है खूड, एक ही खूड की, हाँ जी हाँ, तो 4 खूड में ये तो बीघे भर से ऊपर हो गया होगा, बीघे भर है। अच्छा जी बहुत बढ़िया, देखो मेरे किसान भाइयों 13235 कितना अच्छा खड़ा, और
अच्छा जी, और तीसरी वैरायटी दिखाओ भाई साहब, आ जाओ। ये 14201 है जी। जी ये देखो मेरे किसान भाइयों, और इसी की बराबर में लगा रखा 14201। ये 14201 है जी। ये 14201 के भी पांच खूड है जी। ये भी चार ही खूड, चार ही खूड। हाँ जी हाँ। देखो मेरे भाइयों, समथिंग एक बीघे के आसपास ही है जी। अच्छा जी। ये देखो भाई, छोटी आंख का बीज है पर है बड़ा जड़ों का बहुत मजबूत है। देखो और हाइट भी अच्छी ले रहा, देखो ये देखो भाई, जैसा आप देख रहे, देखो खुला खड़ा बिल्कुल। और देखो कितना अच्छा, इसमें नहीं पड़ने की जी। ये देखो मेरे किसान भाई जैसा देख रहे, देखो थोड़ा ही शुरुआत में गर्मियों के टाइम पे जी थोड़ी सी इसकी बढ़वार कम चला है, ठंड के मौसम में ही इसकी बढ़वार चला है। ठंड में बढ़ने वाला बीज है जी। हाँ जी हाँ, ठंड में बढ़ने वाला बीज है जी। और ये फुटाव भी ठीक लग रहा है जी, बढ़िया बहुत अच्छा भी आता है जी। तो जी ये चलने वाली वैरायटी है भाई जी, जैसा आपने इस बार 38 का भी लिया, तो उम्मीद है पूरी चल जाएगी जी। शुरुआत में तो इस बीज पर डाउट था जी हमें। अच्छा जी भाई, ये तो ज्यादा छोटा रह जाएगा और 36 की तरह थोड़ा छोटा। हाँ जी हाँ, और लिकाड कम बनेगा, आमदनी कम हो जाएगी जी जी। पर अब जब से बरसात सी या बरसात हुई 10 दिन पहले जी, बहुत बढ़वार होगी जी उस टाइम से जी जी जी। और उम्मीद है कि चल जाएगा, बहुत बढ़िया चल जाएगा। और एक बात और हो जी जो देखने में आ रही, देखो किसान भाइयों, ऊपर से लेकर और नीचे तक देखो गन्ने बिल्कुल हरा पत्ते कतई, कोई रोग नहीं है बिल्कुल। जितना मोटा हिंसा इतने देखो हिंसा। हाँ ऐसा है, ऐसे ही गन्ने को खींच लो छोड़ते वहीं जा जी। देखो ऊपर से देखो मोटाई, ऊपर से ही मोटाई और नीचे से ही मोटाई, देखो कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास, बिना रोग वाली वैरायटी जी। ठोस है जी बिल्कुल, गन्ना ठोस बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठोस है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं और न कोई बीमारी तो है ही नहीं जी। सबसे हाँ बड़ी बात तो है बीमारी की, किसान परेशान हो गया स्प्रे कर और ज्यादा और नुकसान, लागत दुगनी होगी और नुकसान आ रहा किसान को जी। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब बिल्कुल। अच्छा 35 की तो हाइट अब आकर 38 से भी ज्यादा होगी जी। हाँ जी हाँ जी सही कह रहे, इनका 38 भी दिखा रहा भाइयों में, देखो बराबर में आ जाओ भाई साहब, 38 और दिखाओ। ये देखो भाइयों, ये इधर 38 हो गया, भी बढ़िया हाइट ले रहा जी आपका। और एक बार ही बनवा रखा आपने? हाँ जी हाइट बढ़िया ले रहा, पर इसमें भी इस पर 3 में रखी, पर कीड़ा है जी जगह है महसूस दे जी। अच्छा पत्ती उतरवा दी आपने? हाँ जी पत्ती उतरवा दी। पत्ती उतरवाने का क्या लाभ मिल जाए जी? पत्ती उतरवाया का तो खेत साफ सा हो जाए जी जी। और पहले साल हमने बरसीन बो दी थी जी सारे खेत में। अच्छा जी, अब कभी सोच रहे पत्ती कटवा के बरसीन बकरवा देंगे, तो उससे मतलब हरी खाद का फायदा मिलेगा। हरी खाद का फायदा मिलेगा जी, मतलब जो खुआना चाहोगे खुआ लो जी जी। पर अच्छा बुआई कैसे करो आप? तो मतलब ज्यादा बरसी लगाओगे इसमें पत्ती निकाल दोगे? इसे नुई निकाल के जी बिल्कुल साफ होगा जी, और ऐसे ही बखेर दो नुई जम जाएगी जी बरसी। तो पानी भर के? पानी भर के जी। हाँ जी पानी भर के ऐसे बीज बखेर दो, सारे को बरसी जम जाएगी। बहुत बढ़िया मेरे किसान भाइयों, देखो जमीन की बात करो तो देखो कितनी पक्की जमीन है, बिल्कुल काले रंग की जैसी जोड़ की मट्टी हो, और मट्टी बहुत बढ़िया चढ़ा रखी देखो, और बहुत अच्छी हाइट ले रहा 38 भी। तो जी जो आपके नए बीज है तीनों पसंद आए भाई साहब? आप बिल्कुल पसंद आए जी। अच्छा जी एक बात और बताओ, हाँ जैसा आपने सैफ असली में उड़द लगाए थे 25 बीघे में, हाँ उड़दों का उत्पादन कितना हुआ था ये और बताओ? ये समथिंग ये लगा लो जी, इसमें करीबन ऐसे हो गए थे जी 18 क्विंटल के आसपास, 18 क्विंटल उड़द हो गए थे। हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया। तो मेरे किसान भाइयों देखो, सैफ असली अगर हम मार्च में लेना चाहते हो मार्च में भी ले सकते हैं, उड़द लगाए थे भाई ने और उड़द का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, और मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।